आई एम कैकेशा और मैं योगा कोच भी हूँ, इंस्ट्रक्टर भी हूँ और टीचर भी हूँ। पहले तो ये कि योगा क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। योगा एक फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस है, उसमें सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, उसमें और भी अदर उसके पार्ट्स हैं जो हम प्रैक्टिस करते हैं डेली लाइफ में। तो ये इंसान को डिसिप्लिन करता है, वेरी सिंपल। एरियल योगा की अगर आप बात करें तो ये थोड़ा सा एक्सेलरेटेड वर्जन कह सकते हैं आप इसको। इसमें एक प्रॉप होता है लाइक अ स्विंग, स्विंग भी है, हैमक भी है और भी प्रॉप्स होते हैं, रिंग भी होता है और काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो उसमें आपको एक हेल्प मिलती है और आपकी प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, लाइक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस लाइक अ जिम और समथिंग। तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ जाती है और आपकी अपर बॉडीज की स्ट्रेंथ से ये रिलेट करता है। जब मैंने योगा स्टार्ट किया तो बहुत कम योगा था यहाँ, स्पेशली पाकिस्तान में। तो आई हैड टू स्ट्रगल फॉर माई ट्रेनिंग्स एंड एवरीथिंग एल्स। बट अब बहुत ज़्यादा चेंज आ गया और काफ़ी लोग इसको अपना रहे हैं और कर रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं। देखिए, हमारा जो माशरा है वो मेन ओरिएंटेड माशरा है। अगर कोई भी चीज़ अगर चेंज आया है माशरे में तो जब वो मेन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तब आता है, क्योंकि वो अथॉरिटी है हमारे माशरे में। मेरी ख्वाहिश है कि हर घर में जितने भी मर्द हैं उनको चाहिए कि अपनी औरतों को इनक्रेज करें, कि इनक्रेज ही नहीं करें बल्कि उनको पासिस लेके दें। ये 12th क्लास का पास मैंने आपके लिए लिया, प्लीज़ जाके एक्सरसाइज करें, मेक योर बॉडी फिट, मेक योर सेल्फ फिट, बिकॉज उन्हीं के लिए फ़ायदा है ना। आपकी वाइफ्स हैं या आपके बच्चे हैं, यंग गर्ल्स हैं या आपकी मदर्स हैं, मेरे पास हर एज के ग्रुप का एक्सरसाइज करने का इंसान है, क्या कहते हैं, आई हैव ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम एज 11 टू 76। ठीक है, हर लेवल ऑफ एक्सरसाइज है, हर कोई एक्सरसाइज ज़िंदगी में कर सकता है थोड़ी बहुत अपने हिसाब से। जब आप छोड़ देते हो फिर आपको फिजियो की ज़रूरत पड़ती है, एडिशनली लोग आपको एक्सरसाइज करें, आप खुद ही करते रहें एक्सरसाइज। तो और दूसरी बात ये कि हमारा माशरा, जैसे मैं अभी कह रही थी आपको कि बहुत ज़्यादा खाना हम खाते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा कपड़े बनाते हैं लोग और हर दफ़ा लोगों को नए कपड़े चाहिए होते हैं। वाई, आई डोंट गेट इट, इतना मटेरियलिस्टिक लाइफ है। आप अपनी बर्थडेज में लोगों को, अपने घर की औरतों को गिफ्ट में उनको वाउचर्स दें, ये 6 मंथ का वाउचर आपके लिए मैंने लिया है, प्लीज़ रोज़ जाके जिम करें, दिस इज़ अ गुड ग्रेट आइडिया। लाइक जब हस्बैंड या आपके बेटे या कोई भी मर्द आपके घर में, वो आपको इनक्रेज करेंगे तो आपको भी अच्छा फील होगा कि समबडी केयर्स फॉर मी। जहाँ आप इतना पैसा इधर उधर लगाते हैं, हमारे यहाँ सबसे चीप है जिम और क्लासेस। हमारे बिकॉज मैं बाहर भी सिखाती हूँ, इतने इतने डॉलर्स की एक क्लास होती है, $15 ये वो। यहाँ पे तो बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, जितना आप खाना मंगा लेते हैं वो जो ऐप होती है उस पर। और सबसे बड़ी बात ये कि हर वक्त अवेलेबल है। हमारे ज़माने में रात के 10 बजे के बाद कोई खाना नहीं मिलता था, अभी आप रात के 2 बजे खाना मंगा लें, 4 बजे मंगा लें, हर वक्त आप खा रहे हैं, हर वक्त आप फ़ोन कर रहे हैं, हर वक्त अट्रैक्ट हो रहे हैं खाने से। भाई, अपने आप को अट्रैक्टेबल बनाएं, अपनी बॉडी को, जो एनर्जी आप सर्व करते हैं अपनी लाइफ को ब्यूटीफाई करने में, अपने आप को अच्छा करने में उसको लगाएं, थोड़ा सा 10% लगाएं। सारा कुछ नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें और जाके संन्यास ले लें, नहीं, सब कुछ करें लेकिन एक पार्ट आपकी लाइफ का टोटली डिवोटेड आपके लिए होना चाहिए। उसमें आपको अपने घर वालों की सपोर्ट की ज़रूरत है, स्पेशली मैन ऑफ द सोसाइटी, वो अपने उसको वैल्यू करें। और क्योंकि उन्हीं का फ़ायदा है, उनकी खर्चा कम होगा ना, अगर डॉक्टर के बार बार नहीं जाएंगे और प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, उनको ले लेके जाना होता है, तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आप रिलैक्स लाइफ, हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं। और वैल्यू उसको चेंज करना होगा, और कुछ भी नहीं है। हम सब इग्नोरेंस में रह रहे हैं, हमें जो नज़र आ रहा है वो रियलिटी नहीं है, द रियलिटी इसके पीछे छुपी हुई है, उसको हमने ढूंढना है और रियलाइज करना है कि क्या मोर इम्पॉर्टेंट है लाइफ। वॉन हेल्थ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।